बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खनी हांडी। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा। एक किलो चिकन ले लिया मैंने बोनलेस, तीन से चार जो है सब्ज़ मिर्च हैं, दो प्याज ले लिए बड़े, तीन टमाटर ले लिए, इन दोनों का पेस्ट मैं बनाऊँगी। मिल्क पैकी क्रीम यूज़ की है और गार्लिक पेस्ट है। चले इन दोनों का मैंने पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखें, इन दोनों को मैंने पेस्ट बना लिए, ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाला था और ग्राइंडर के चला दिया था। उसके बाद देखें ये हमारा जो है पेस्ट बन गया टमाटर और प्याज का। ठीक है, इतना ही आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। इसके बाद एक कप ही इसमें आप जो है ऑयल शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद अच्छी तरह हमने इसकी जो है भुनाई करनी है ताकि हमारी जो है पानी वगैरह खुश्क हो जाए, ऑयल हमारा निकल आए और हमारी जो है ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करें आप, फ्लेम आपकी जो है स्लो ही होनी चाहिए, हाई फ्लेम मत कीजिएगा। अब इस टाइम पे जो है हाफ टी स्पून ही मैं गार्लिक पेस्ट इसमें डालूंगी। अब अच्छी तरह मिक्स करें, देखें बबल्स हमारे साइड पे बनना शुरू हो गए हैं। बस अपने जो भी है इसका अब आपने भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रेवी जो है वो बनना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड किया है मैंने, आप हसबे जायका ऐड कीजिएगा। इसके बाद वन टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, देख लीजिएगा कम ज़्यादा। इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही जो है सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब इसे फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा, अब अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है पानी भी खुश्क हो रहा है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो रही है। इतना ही भूनने से हमारा जो है ऑयल निकल आएगा इसमें से। ये देखें, इसके बाद हम इसमें अब चिकन ऐड कर देंगे। आप बोनलेस ही चिकन लीजिएगा, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका मक्खनी हांडी का। ये देखें अब इस पर 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा और हमारा ऑयल भी निकल आएगा, ग्रेवी हमारी रेडी होगी। ये देखें 10 से 15 मिनट मैंने ढक के रख दिया था, हमारा चिकन भी रेडी हो गया है और ऑयल भी निकल आया है, ग्रेवी जो है हमारी डन है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया था। अब सब्ज़ मिर्चें जो तीन से चार थी उसे भी चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरह मिक्स करें, हमारी बिल्कुल रेडी है। एंड पे जो है अब इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो जाएगा वो होगी क्रीम। असल टेस्ट जो है इसका क्रीम से ही आएगा। अब इस टाइम पे 4 टेबलस्पून आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। फ्लेम आपकी स्लो ही होनी चाहिए इस टाइम, हाई फ्लेम मत रखिएगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट जो है हमने क्रीम डाल के इसको पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि क्रीम भी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और ऑयल भी निकल आएगा। देखें हमारी क्रीम भी अब मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। अब देखेंगे अब हमारी ये फाइनल लुक है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।